नई सुबह के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलामुअलैकुम, नई सुबह के इंडिपेंडेंट इवेंट प्रोग्राम के ऑडियो ट्यूटोरियल के साथ मैं हूँ फातिमा ज़हरा। आज हम बनाना सीखेंगे दाल चावल। दाल चावल बनाने के लिए हमें जिन अज़ज़ा की जरूरत है उनमें शामिल हैं मूंग की दाल एक पाव, मसूर की दाल एक पाव, चावल आधा किलो, पानी जरूरत के मुताबिक, नमक हसबे ज़ायका, हरी मिर्च दो अदद बारीक कटी हुई, लहसुन अदरक का पेस्ट एक खाने का चम्मच, तेल आधा कप, लहसुन चॉप किया हुआ एक खाने का चम्मच, प्याज एक अदद बारीक कटी हुई, पिसी लाल मिर्च एक खाने का चम्मच, हल्दी एक चाय का चम्मच, साबुत लाल मिर्च 3 से 4 अदद, कड़ी पत्ता 4 से 5 अदद, जीरा एक खाने का चम्मच। तरकीब, सबसे पहले आप दोनों दालों को 15 से 20 मिनट तक पानी में भिगो लें। इसके बाद आप चावलों को भी 15 से 20 मिनट तक पानी में भिगो लें। अब आप एक पतीली में ऑयल गरम करके इसमें प्याज शामिल करें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें नमक, जीरा, चावल और पानी डालकर इसे उबलने के लिए रख दें। जब चावलों में उबाल आ जाए तो इसकी आंच हल्की करके 20 मिनट के लिए दम पर रख दें। अब आप दाल बनाने की तैयारी करें। सबसे पहले एक पतीली में आप ऑयल गरम करें और उसमें प्याज शामिल करें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे सौते कर लें। फिर इसमें आप नमक, हल्दी, पिसी लाल मिर्च और हरी मिर्च डालकर इसे अच्छे से भून लें। फिर इसमें दाल शामिल करें। फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करें। इसके बाद इसमें पानी शामिल करें और दाल को गलाने के लिए रख दें। जब दाल गल जाए तो चूल्हा बंद कर दें। अब आप भगार की तैयारी करें। अब आप एक फ्राई पैन में ऑयल गरम करके इसमें प्याज और साबुत जीरा शामिल करें और इसे लाइट ब्राउन होने दें। फिर इसमें चॉप किया हुआ लहसुन, साबुत लाल मिर्च और कड़ी पत्ता शामिल करके इसे थोड़ी देर के लिए पकने दें। अब आप ये बघार दाल में शामिल करें। मज़ेदार दाल चावल तैयार है। इसे सर्व करें और इंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। अब आपसे अगली रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।